बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति पढ़ाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, विश्वविद्यालय में लॉ के स्टूडेंट्स के लिए 3 नए पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, साथ ही मनुस्मृति को भी पढ़ाने की तैयारी चल रही है, जिसका विरोध हो रहा है। इस प्रस्ताव पर कल अकादमिक परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी। इस कदम का शिक्षकों का एक वर्ग विरोध कर रहा है। मनुस्मृति को ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में लीगल मेथड के नाम के पेपर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। इसके विरोध में डीयू के वाइस चांसलर को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन, मनुस्मृति को लेकर ये जो बवाल चल रहा है, किन लोगों की ओर से आपत्ति क्या बताते हुए की जा रही है, और मनुस्मृति, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा है जब भी उसका जिक्र आता है तो उस पर विवाद छिड़ जाता है, तो उसको लॉ में ले आने के पीछे की बड़ी वजह क्या दिखाई देती है? जी देखिए चित्रा, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मनुस्मृति पढ़ाने की जो बात रखी गई है सामने, ये आज की बात नहीं है। इससे पहले कुछ दौर की मीटिंग्स हुई थी उसमें इस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। ये जो है फैकल्टी ऑफ लॉ की डीन बता रही हैं, और अचानक से अब इस पर विवाद करने की कोशिश की जा रही है। उनकी तरफ से जो आइडिया दिया गया है उसका टॉपिक का नाम रखा गया है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। वो चाह रही है कि जो हमारे फॉरनर्स जो स्कॉलर्स है, विदेशी स्कॉलर्स है, उनको तो हम पढ़ते आए हैं, लेकिन जो भारतीय स्कॉलर्स हैं उन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। उनका जो उस वक्त का कहना था वो समझने के लिए, उसे एनालाइज करने के लिए, ये उनका जो है कहना है। लेकिन जो प्रोफेसर्स हैं, इस पर जो विवाद खड़ा हो गया है, जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने एक चिट्ठी जो वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह उनको लिखी है, और ये कहते हुए कि मनुस्मृति में ऐसी बातें जो कही गई हैं जो महिलाओं के खिलाफ है, जो शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं उनके खिलाफ है, मार्जिनाइज कम्युनिटी के खिलाफ बात करती हैं, और इससे एक बहुत ही खराब मैसेज जाएगा, क्योंकि लॉ में अगर ये पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये महिलाओं के खिलाफ और जो शोषित वंचित वर्ग है उनके खिलाफ जो बातें इसमें लिखी है वो पढ़ाई जाएंगी, तो उसके विरोध में जो है वीसी को लेटर। शुक्रिया मिलन इस पूरी जानकारी के लिए।